बचो। शर्म नहीं आती? सड़क के ऊपर कचरा फेंकते हो? हिम्मत है तो सामने आओ, अभी बताता हूँ। लो, मैं सामने आ गया, अभी बोलो। अरे बॉक्सर भैया आप? हाँ मैं, और मुझे जो चैलेंज करता है मैं उसके सामने आ जाता हूँ। और आप देखो मेरा कमाल, ये लो। बड़े भैया, सिटी के लोग सड़क पे कचरा फेंक रहे हैं, हमें इनको सबक सिखाना पड़ेगा। पतलू कुछ सोचो। आइडिया, एक रोबोटिक डस्टबिन बनवाती है जो शहर में घूम घूम कर कचरा इकट्ठा करे। जो कचरा सड़क में फेंके उसे उठवा कर डस्टबिन में भी डलवा दे। ओ मेरे भाई, मेरे यार, ये तो मेरे भाई हाथ के खेल है। भाई भाई, वो देखो, वो लोग कर क्या रहे हैं? चल चल के देखते हैं। मेरे भाई, मेरे यार, ये डस्टबिन रोबोटिक है जो शहर में घूम घूम कर कचरा इकट्ठा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरा शहर साफ रहेगा। ये दबाया बटन और ये शुरू। लेकिन बड़े भैया, इनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कचरा है और कौन सा नहीं? तुम चिंता मत करो, वो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, कौन कौन सा कचरा है और कहां कहां से कचरा लेना है। गीला कचरा, सूखा कचरा, वो सब मैंने बोल दिया है यार। और जो अलग से नया कचरा आएगा वो मैं कान में बोल के अपडेट कर दूंगा यारी। क्या रे, इन्होंने क्या डस्टबिन बनाया है रे? चलो कुछ देर इसका काम देखते हैं। मोटो, कितनी देर नहाओगे? नीचे शादी शुरू हो जाएगी। अरे पतलू, तुम सबने पहले पहले नहा लिया और मुझे जल्दी जल्दी कर रहे हो। तुम चलो, मैं आता हूँ। तो मोटू नहा रहा है, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया जन्म ले रहा है। शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन इस लड्डू में ऐसा क्या है जिससे कोई ना बच पाए? बाबा, अरे ये पानी कैसे चला गया? पानी, कोई पानी शुरू करो। पतलू, बड़े भैया, चिंगम सर, अरे सब लोग कहाँ चले गए? पता नहीं ये सब लोग कहाँ चले गए। अब मैं किससे मदद मांगूंगू, किससे हेल्प मांगू?
पानी चाहिए। अरे लगता है इस रूम में कोई नहीं है, सब नीचे चले गए हैं। जल्दी से जाकर इस बाथरूम में नहा लेता हूँ। स्वीटी जल्दी से रेडी हो जाओ, भारत रास्ते में ही है, हमारे होने वाले जिज्जा जी आते ही होंगे। हाँ हाँ होती हूँ, बहुत थक गई हूँ, जल्दी से नहा कर आती हूँ। ये सब कैसे गिर गया, यहाँ तो कुछ नहीं है। वाह पुत्रो, ये वाला पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा है। अरे वाह वाह वेटर भैया, बड़े तेज हो, खाना खत्म हुआ नहीं कि बिल भी ला दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रासियस ग्रासियस। अरे पतलू, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, लगता है किसी ने जेब काट ली। अरे मोटू तुम भी ना एकदम केयरलेस हो, इतनी बड़ी हो लेकिन एक पर्स नहीं संभाल सकते, हर जगह मुझे ही तुम्हें संभालना पड़ता है। अरे ये क्या, अरे नहीं लगता है मेरी जेब भी किसी ने काट ली। सॉरी वेटर भैया, पैसे नहीं है। व्हाट, नो मनी? मैनेजर सर प्लीज कम, दे डोंट हैव मनी। तो मैं चीजों को संभाल के नहीं रखता ना, मैं केयरलेस हूँ। हाँ अब कौन केयरलेस है बताओ। व्हाट, नो मनी? इतना ज्यादा पेट भर भर के खाए एंड नो मनी? आई वॉन्ट माई मनी। आपने 10 पिज्जास खाए। आप तो इंडियन दिखते हो मैनेजर भैया, हम मोटू पतलू है फ्रॉम इंडिया मॉडर्न सिटी। आई एम मैनेजर खन्ना, इंडियन हो या फॉरेनर मैं पैसे लेकर रहूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत कंपटीशन है, सेल कम होती है। अरे क्या 10 पिज्जा के लिए अपने देशवासियों का मजाक उड़ा रहे हो, अगर सेल कम होती है तो बोलो मुझे, मैं बढ़ा देता हूँ आपका सेल। सेल करने की टेक्निक आनी चाहिए, कहो तो शाम तक मैं 100 पिज्जा बेच के दिखा दूँ। व्हाट, शाम तक 100 पिज्जा? पेरिस देखा पर सब फीका का फीका, जब तक चाय वाले के समोसे का स्वाद न चखा। अरे मोटू तुम्हें तो हर जगह समोसों की ही याद आती है, ये नहीं देख रहे कि चिंगम सर सुबह से गायब है, पता नहीं किससे मिलने गए हैं। देखो मैं अपने फ्रेंड से ये मोबाइल लाया हूँ, इसमें लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। बोलो इसे मेरे साथ लंदन घूमने चलना है। मेरा मोटरसाइकिल अपने आप कैसे स्टार्ट हो गया? स्टॉप, कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है।
मैं किंग अंकल हूँ। डरो मत, मैं इंग्लैंड का किंग एडवर्ड वन हूँ। मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। मेरा एक फोर्ट है जो अब म्यूजियम बन गया है। आई डोंट नो कैसे एक टूरिस्ट आया, उसने मेरा खानदानी डायमंड चोरी कर लिया। उस टूरिस्ट का नाम है खोपारी। खोपारी? ये कैसा नाम है? अरे कहीं ये खोपड़ी तो नहीं? किंग अंकल, क्या वो एम्बुलेंस पे चलता है? यस यस, वो एम्बुलेंस के ऊपर खड़े होकर चलता है स्ट्रेंज मैन। अरे खोपड़ी भी है, यूरो ट्रिप पे आया है क्या? हाँ, तुम लोग उसको जानता है? उसी ने मेरा पुश्तैनी डायमंड चोरी किया है। विल यू प्लीज हेल्प मी टू गेट डायमंड बैक? डोंट वरी किंग अंकल, हम उसे पकड़ के ही। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।